इसमें आर्मी के वाइस चीफ ने कहा कि हिंदुस्तान की जो हमारा असला है फौज का 2/3 विंटेज है, पुराना है, 2/3 असला विंटेज है। और वजीर आजम क्या बोले, 56 इंच। अरे क्या है 56 इंच में, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को ऐसा कर दूंगा, क्या करें आप। आज भी हमारे 4 बहादुर सिपाही मारे गए, आज 4 सिपाही मारे गए हमारे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारे सिपाही नहीं मर रहे हैं। और वाइस आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का असला 2/3 विंटेज है, विंटेज है। और ये भी कह रहे हैं कि जो ऑर्डर दिए नया असला का, नए तोपों का, बंदूकों का, उसको पैसे देने नहीं है देने के लिए। जो बाहर से अगर खरीद रहे हम, अमेरिका से, रशिया से, जहां कहीं से भी जरूरत है हमको, क्योंकि हमारे अतराफ में जो पड़ोसियां हैं वो हमेशा हमको शरारत करते रहते हमसे। और हमारे वजीर आजम, हिंदुस्तान के बीजेपी आरएसएस के लोग बोलते चीन को बता देंगे, चीन को कर देंगे। अरे कई का चीन चीन कर रहा भाई, शक्कर की कीमत देख, पहले असला के लिए पैसे नहीं है, चीन चीन कर रहा, पैसे नहीं है देने के लिए असला के लिए, चीन चीन से कर देंगे। क्या करे चीन में आप, क्या उखाड़ लिए, डोकलम हटाए, बोले डोकलम में बैठा हुआ है चीन, अब तो और मजबूत हो गया डोकलम में। हद तो यह हो गई वजीर आजम कि आप दुनिया के आधे ममालिक को कवर कर लिया आप प्लेन में बैठ बैठ के, यहां बैठे यहां डूबे वहां रोज जा रहे थे। मगर क्या हुआ, मालदीव एक छोटा मुल्क है, हिंदुस्तान को कदर नहीं कर रहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला लिया। नेपाल छोटा मुल्क है, हिंदुस्तान सब चीज करता है उनके लिए, बरसों से हमारा एग्रीमेंट है, उन्हें किसको बुलाते नहीं, हुकूमत जो आई पाकिस्तान के वजीर आजम को। कौन आपका दोस्त है, कौन सी आपकी फॉरेन पॉलिसी है, हर महाज पर आप नाकाम। और फिर आप देखिए हमारी जो नेवी है, सबमरीन्स हैं, सबमरीन्स माशाल्लाह हमारे कैसे हैं, हमारे पास 15 है, चाइना के पास 70 है। ये आरएसएस वाले थकते नहीं, चीन से ऐसा कर देंगे। अरे सबमरीन में तो देखो, और 2 सबमरीन ऐसा उसमें टॉर्पीडो लगा ही नहीं सकते आप, एयरफोर्स से स्क्वाड्रंस की जरूरत है, वो नहीं होता। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन दिए कि लगाओ बहस कराओ, आपके पास 280 है ना, कराओ बहस, नहीं कराते, क्योंकि जब बहस होगी तो पूरा निकालेंगे, इन पर तनकीद करेंगे।